हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखें। तो ये कहानी जो आप देख रहे हैं, इसको मैं आप सभी के लिए साथ साथ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल अभी से ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि आप नए नए वर्ड मीनिंग सीखते हैं, वो भी कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ, और आपको करेक्ट प्रोनंसिएशन भी सुनने को मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस कहानी का टॉपिक है बेन द लायन, यानी बेन जो एक शेर है उसके बारे में एक कहानी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, बेन वाज, बेन था, वो क्या था? द स्टार अट्रैक्शन। तो स्टार अट्रैक्शन एक ये फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है सेंटर पॉइंट, यानी कि मुख्य आकर्षण। तो बेन मुख्य आकर्षण था, कहां का था? एट द सर्कस, यानी एक सर्कस का। द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे केम आते थे, एस्पेशली खास तौर पर, टू सी यानी देखने के लिए, किसे? हिम यानी कि बेन को, परफॉर्म यानी कि प्रदर्शन करते हुए। तो जब बेन प्रदर्शन करता था सर्कस में, तो उसे देखने के लिए बच्चे खास तौर पर आते थे। ही वेंट थ्रू, वह जाता था, थ्रू यानी कि बीच में से, किसके बीच में से? हुप्स। तो दोस्तों, आपने जो सर्कल टाइप के होला हुप देखे होंगे, उन्हीं के बीच में से जब सर्कस में शेर कूदता है तो उस हुप को बोलते हैं गोला। एंड क्लाइम्ड अप, और वह चढ़ जाता था सेवरल बॉक्सेस यानी कि कई बक्सों पर, एंड लैडर्स और सीढ़ियों पर, एंड और व्हेन ही रोर्ड, तो शेर की जो आवाज निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रोर करना यानी दहाड़ना। तो जब वो शेर दहाड़ता था, द चिल्ड्रन जो बच्चे थे हेल्ड देयर ब्रेथ्स यानी उनकी सांसें रुक जाती थी। ही वाज, वह क्या था? मैग्निफिसेंट यानी लाजवाब था, एंड फेरोशियस यानी खूंखार एज वेल भी था। तो इन चार लाइनों में हमें पता चल रहा है कि ये कहानी है एक शेर के बारे में जिसका नाम है बेन, और वो एक सर्कस का मुख्य आकर्षण था, और बच्चे खास तौर पर उसे देखने के लिए, उसका प्रदर्शन देखने के लिए आते थे। क्योंकि वो जो शेर था वो क्या करता था? वो गोलों में से निकलता था, वो कई बक्सों पर चढ़ जाता था, सीढ़ियों पर चढ़ जाता था, और वो जब दहाड़ता था तो बच्चे अपनी सांसें रोक लेते थे। वह बहुत लाजवाब और खूंखार भी था। नेक्स्ट पैरा, बट, लेकिन बेन वॉज वेरी सैड, बेन बहुत उदास था। ही वॉज लोनली, वह अकेला था। ही हेटेड, वह नफरत करता था, किससे? हिज लिटल केज, तो केज यानी कि पिंजरा, वह नफरत करता था अपने लिटल यानी छोटे पिंजरे से, बीइंग ड्रैग, जो कि घसीटा जाता था, रैटलिंग। तो दोस्तों, जब भी लोहे का कोई भी आप सामान आपस में बजते हुए सुनते हैं, उस आवाज को बोलते हैं रैटल करना। तो जब इसका पिंजरा घसीटा जाता था, कहां? ओवर रोड्स यानी कि सड़कों के ऊपर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो बहुत नफरत करता था अपने छोटे पिंजरे से। ही वॉन्टेड टू वॉक, वह घूमना चाहता था, कहां? इन द ओपन यानी कि खुले में, विद अदर लायंस, बाकी शेरों के साथ। ही वॉन्टेड टू रन, वह दौड़ना चाहता था, एंड फील, और महसूस करना चाहता था, द विंड यानी हवा को, रशिंग यानी कि गुजरते हुए, कहां से? थ्रू हिज मेन यानी जो शेर के चेहरे के आसपास बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उस गर्दन के बालों को बोला जाता है मेन। तो वो चाहता था कि जो हवा है वो उसके गर्दन के बालों में से गुजरे। तो इन चार लाइनों में हमें पता चल रहा है कि जो ये शेर था, हालांकि वो बहुत लाजवाब था, लेकिन फिर भी वो उदास था, वो अकेला था, वह नफरत करता था अपने छोटे पिंजरे से, उसकी आवाज से जब सड़कों के ऊपर वो घसीटा जाता था एक जगह से दूसरी जगह। वह खुले में चलना चाहता था बाकी शेरों के साथ, और वो दौड़ना चाहता था, और हवा को महसूस करना चाहता था अपने गर्दन के बालों पर गुजरते हुए। नेक्स्ट पैरा, बट, लेकिन, देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था भाई? ही कुड डू, जो कि वो कर सके, क्या करने के लिए? टू चेंज हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। ही लव्ड, वह प्यार करता था,
था द सर्कस ओनर, जो उस सर्कस का मालिक था उससे, हु वाज, जो कि क्या था सर्कस का मालिक, एन एक्रोबैट। तो दोस्तों एक्रोबैट होता है कलाबाज, यानी कि जो कलाबाजी करते हैं, जो इधर उधर रस्सों के ऊपर और ऊपर सर्कस में आपने देखा होगा झूलों पर झूलते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्रोबैट। वो क्या था भाई सर्कस का मालिक, एक्रोबैट था, कलाबाज था। वाज काइंड, वो दयालु था, टू हिम यानी कि उसके लिए, यानी बेन शेर के लिए, हिज कीपर तो उसका रखवाला जो था, वाज आल्सो, वह और क्या था, वेरी केयरिंग यानी बहुत देखभाल करने वाला था। तो अब ये जो बेन है ये चाहता था ये सब चीजें महसूस करना, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था अपनी इस जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि वह प्यार करता था जो सर्कस का मालिक था उससे, जो कि एक कलाबाज था, दयालु था उसके लिए, और वह बहुत क्या था, देखभाल करने वाला भी था। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, अ मैन केम, एक आदमी आया, टू वॉच यानी देखने के लिए, द सर्कस यानी सर्कस को, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, ही हैड अ लिटल गर्ल, उसके पास एक छोटी लड़की थी, शैली, उसका क्या नाम था दोस्तों, शैली, हु एंजॉयड, जिसने बहुत मजा किया, द शो यानी कि जो भी शो था उसका, ट्रेमेंडसली यानी बहुत ज्यादा अच्छा शैली को मजा आया उस शो को देखते हुए, एट द एंड ऑफ द शो, तो जैसे ही वो शो खत्म हुआ, द मैन टुक हिज, तो जो आदमी आया था उसने क्या किया, उसने लिया His family, अपने परिवार को, to meet everyone, सभी से मिलवाने के लिए, behind the tent, यानी कि उस टेंट के पीछे। तो दोस्तों अब एक दिन एक आदमी आया सर्कस देखने के लिए अपने परिवार के साथ, उसके पास एक छोटी लड़की थी शैली, जिसने बहुत ज्यादा मजा किया उस शो को देखते हुए, और शो खत्म होने पर उस आदमी ने अपने परिवार को लिया और मिलवाया सभी से टेंट के पीछे। नेक्स्ट पैरा, दे At the acrobats, तो वे किससे मिले, वो आदमी और उसका परिवार किससे मिले दोस्तों, acrobats यानी कलाबाज करने वालों से मिले, the clowns यानी जो जोकर होते हैं उनसे मिले, and the animals और जो जानवर थे उनसे मिले, Shelly had a lovely time, Shelly का जो समय था वो बहुत ही प्यारा गुजरा, especially खास तौर पर with the clowns यानी जोकरों के साथ, but लेकिन when she saw the lion, जब उसने उस शेर को देखा, दोस्तों द यहां पर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि आपको पता है मुझे पता है कि जो शैली है वो किस शेर की बात कर रही है, बेन की। शी स्टूड, वह खड़ी हो गई थी, साइलेंटली चुपचाप, वॉचिंग यानी देखते हुए, किसे, बेन यानी उस शेर को जो क्या कर रहा था, लाइंग यानी कि वो नीचे लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, इन अ कॉर्नर, एक कोने में ऑफ द केज, उस पिंजरे के। हर फादर जो इसके पिता थे शैली के, लुक्ड डाउन, तो दोस्तों लुक्ड डाउन एक फ्रेज होता है जिसके दो मतलब होते हैं, सीधा इसका लिटरल मतलब है नीचे देखना, और लुक डाउन अपॉन समबडी वो होता है किसी को नीचा दिखाना। तो उसके पिता ने नीचे देखा, एंड और सो हर क्राइंग, उसे रोता हुआ पाया, ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, व्हाई शी वाज क्राइंग, वह क्यों रो रही थी। तो दोस्तों अब ये पूरा परिवार कलाबाजों से, जोकरों से और जानवरों से मिला था, और शैली का बहुत अच्छे समय जा रहा था, खास तौर पर किसके साथ, जोकरों के साथ, लेकिन जब उसने उस शेर को देखा वह चुपचाप खड़ी हो गई थी और वह देख रही थी बेन यानी कि उस शेर को लेटे हुए एक कोने में उस पिंजरे के। उसके पिता ने नीचे देखा और उसे रोता हुआ देखा, उसके पापा ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही थी, पापा ही लुक सो अनहैप्पी, वह क्या दिख रहा है, बहुत नाखुश दिख रहा है, एंड लोनली और अकेला भी, यू हैव अ बिग जू, कि आपके पास एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, कांट वी टेक हिम देयर, क्या हम नहीं कर सकते क्या, टेक हिम यानी इसे ले जा सकें, देयर यानी कि वहां, आज शैली। तो अब शैली ने ये सवाल पूछा अपने पापा से कि जो शेर है ये बहुत नाखुश और अकेला दिख रहा है, आपके पास तो एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, क्या हम इसे वहां नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट पैरा, शैलीज फादर, शैली के पिता मिस्टर गोल्डर, मिस्टर गोल्डर उनका नाम है, वॉज अ नेचुरलिस्ट, वो क्या थे, प्रकृतिवादी,
तो दोस्तों जो प्रकृति को सपोर्ट करते हैं, नेचुरल चीजों को बढ़ावा देते हैं, उनको बोला जाता है नेचुरलिस्ट। हु हैड, जिन्होंने क्या किया था, मेड अ लार्ज जू, उन्होंने बनाया था एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर, इन विच यानी कि जिसमें ईच एनिमल, हर एक जो जानवर था, हैड अ लार्ज स्पेस, उसके पास क्या था, एक बहुत बड़ी जगह थी फॉर इटसेल्फ यानी खुद के लिए, विद नेचुरल सराउंडिंग्स यानी प्राकृतिक परिवेश के साथ, जो भी वहां पे आसपास वातावरण था वो बिल्कुल क्या था, प्राकृतिक था। The animals, तो जो जानवर थे were always, वो हमेशा ही क्या थे, in pairs यानी कि वो जोड़ों में थे, so that ताकि they might not be lonely, ताकि वो क्या ना हो, वो अकेले ना हो, and or might have, और क्या हो सके, their own families यानी उनके खुद के परिवार हो सके। तो इस पैरा में हमें पता चला कि शैली के जो पिता हैं मिस्टर गोल्डर, जो कि एक प्रकृतिवादी हैं, वो नेचर को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनाया जिसमें हर एक जानवर के पास बहुत ज्यादा जगह थी खुद के लिए, और वो भी प्राकृतिक परिवेश में यानी कि नेचुरल आसपास का वातावरण था, और ये जो जानवर थे वो हमेशा जोड़ों में थे ताकि वो अकेले ना हो और उनका क्या हो सके, खुद का परिवार भी हो सके। नेक्स्ट लाइन, मिस्टर गोल्डर आस्क, तो आस्क यानी कि पूछा, मिस्टर गोल्डर ने दी ऑनर मालिक से, कैन वी डिस्कस समथिंग, क्या हम कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं, प्लीज कृपया। द ओनर लुक्ड, अब ये जो मालिक है इसने देखा, कहां देखा, एट मिस्टर गोल्डर, मिस्टर गोल्डर की तरफ देखा, क्वेश्चनिंगली यानी सवालों से भरे हुए थे ये ओनर यानी कि मालिक, तो सोच रहे थे भाई क्यों पूछ रहा है मेरे से कि क्या हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा, आई हैव अ जू, मेरे पास एक चिड़ियाघर है, इट इज, ये क्या है, अ वेरी स्पेशल प्लेस, एक बहुत ही खास जगह है, बिल्ट यानी कि जो बनाई गई है, टू कीप, रखने के लिए, एनिमल्स जानवरों को, इन यानी कि अंदर, इन जानवरों को अ नेचुरल हैबिटेट, एक प्राकृतिक आवास में रखने के लिए, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। व्हाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं करते शिफ्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शिफ्ट, तो आप शिफ्ट क्यों नहीं कर जाते, किसे, योर सर्कस, अपने सर्कस को, परमानेंटली यानी हमेशा के लिए, नियर माई जू, मेरे चिड़ियाघर के पास। सजेस्टेड, सुझाव दिया मिस्टर गोल्डर सीरियसली, मिस्टर गोल्डर ने पूरे गंभीरता से ये सुझाव दिया उनके मालिक को। तो दोस्तों अब मिस्टर गोल्डर कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक चिड़ियाघर है, ये एक बहुत खास जगह है जो कि बनाई गई है जानवरों को रखने के लिए, जितना संभव हो सके प्राकृतिक आवास में, तो आप शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते अपने सर्कस को मेरे चिड़ियाघर के पास हमेशा के लिए, ये सुझाव दिया मिस्टर गोल्डर ने, और वो भी पूरे गंभीरता से। हाउ विल दैट हेल्प, ये कैसे मदद करेगा, आस्क द ओनर, अब ये उस मालिक ने पूछा कि भाई मेरे को कैसे मदद मिलेगी। द एनिमल्स, जो ये जानवर हैं, विल लिव इन द जू, ये किस में रहेंगे, चिड़ियाघर में रहेंगे, ऑलवेज यानी कि हमेशा, एंड यू कुड, और तुम क्या कर सकते हो, ट्रेन देम यानी इन्हें प्रशिक्षण दे सकते हो, फॉर द सर्कस टू, सर्कस के लिए भी, दैट वे, इस तरह से, दे विल हैव अ बेटर होम, इनके पास क्या होगा, अ बेटर होम यानी कि एक बेहतर रहने की जगह होगी, बेहतर घर होगा, एंड सराउंडिंग्स, और जो आसपास का वातावरण है, एंड और विल नॉट बी लोनली, और ये अकेले भी नहीं होंगे, सेड मिस्टर गोल्डर। अब ये मिस्टर गोल्डर ने कैसे कहा, Confidently यानी विश्वास के साथ, तो पहले क्या बोला था, Seriously, गंभीरता के साथ, और अब ये पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो जानवर हैं ये चिड़ियाघर में रहेंगे हमेशा, और आप इनको प्रशिक्षण भी दे सकते हो अपने सर्कस के लिए भी, इस तरह से इनके पास एक बेहतर घर होगा रहने के लिए, वातावरण होगा, और ये अकेले भी नहीं होंगे। नेक्स्ट पैरा, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल, तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, एक बुरा
बुरा विचार नहीं है, सेड द ओनर स्लोली, ये उस मालिक ने कहा धीरे से, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इवन माय एक्रोबेट्स, यहाँ तक कि जो मेरे कलाबाज हैं, विल बी हैप्पी, वो खुश होंगे, इफ, अगर वी सेटल डाउन, कि हम बस जाते हैं, हम ठहर जाते हैं समवेयर, यानी कि कहीं, देयर चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे हैं, कुड गो टू स्कूल टू, वो भी क्या कर सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे। तो मिस्टर गोल्डर की विश्वास से भरी हुई बातों को सुनकर अब ये मालिक कहता है धीरे से कि ये तो बिल्कुल भी कोई बुरा विचार नहीं है, मैं सोचता हूं कि मेरे जो कलाबाज हैं वो भी खुश होंगे, अगर हम कहीं बस जाते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। लास्ट पैरा, द सर्कस, अब ये जो सर्कस था मूव्ड, यानी कि वो मूव हो गया था एक जगह से दूसरी जगह जाकर, बस जाने को हम क्या कहते हैं, हम मूव होना बोलते हैं। नियर द जू, यानी चिड़ियाघर के पास अब ये सर्कस चला गया था। बेन लिव्ड, जो बेन था यानी कि वो शेर था, वो रहता था इन अ लार्ज, एक बड़े ओपन एनक्लोजर, यानी कि बड़े से दायरे में। दोस्तों, एनक्लोजर का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो जो ये चिड़ियाघर था, हालांकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, बंद था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा खुली जगह थी। किसके साथ? विद ट्रीज, यानी पेड़ों के साथ, एंड रॉक्स, और चट्टानों के साथ, एंड अ मोट, तो दोस्तों मोट का मतलब होता है खाई, यानी कि कहीं पर झरना बह रहा है, कहीं चट्टानों के बीच में पानी है, तो उस जगह को हम बोलते हैं मोट। एंड ग्रास, और घास। ही वॉज द हैप्पीएस्ट लायन इन द वर्ल्ड, वो क्या था, सबसे खुश शेर था इस दुनिया में। ही हैड फाउंड, उसने पा लिया था हिज रियल होम, यानी कि अपना असली घर। तो दोस्तों, अब ये जो सर्कस था, क्योंकि ये चला गया था चिड़ियाघर के पास, और ये जो बेन नाम का शेर था, अब ये रहता था बहुत ही बड़े और खुले एनक्लोजर में, यानी दायरे में, पेड़ों के साथ, चट्टानों के साथ, वहां पर खाई भी थी और घास भी थी। अब वो क्या था, दुनिया का सबसे खुश शेर था, क्योंकि उसने क्या कर लिया था दोस्तों, क्योंकि अब उसने क्या पा लिया था, अपना असली घर पा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि चिड़ियाघर में जो छोटे छोटे पिंजरों में जानवर रहते हैं, उनका भी मन करता है इंसानों की तरह खुले में घूमने के लिए। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप चिड़ियाघर में जाएं, तो प्लीज कभी इन जानवरों पर पत्थर ना फेंकें, उन्हें उतना ही दर्द होता है पत्थर लगने से जितना कि हमें होता है। तो इस अच्छे थॉट के साथ मैं मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।